मुझे आप नजर नहीं आ रहे गाड़ी चला दो यार भारती आगे हो गए सबसे पहले आप लोगों के बीच जो लड़कियां बैठी है ना उनके लिए चार लाइन बोलना चाहता हूँ जरूर जरूर ये मैं नहीं बोल रहा ये आप लोग खुद जानते हो पंजाबी में आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना आपको समझ आ जाएगा और Careers360 की जो लड़कियां है ना उनके ऊपर ज्यादा अवेलेबल है मतलब उन्हीं के लिए ही बनी लाइन मुझे लगता है ऐसा हाँ अवेलेबल है राइट मापियान पेजे पढ़ो ने ब्रोड किन्नी छेती हवा लगी थानू माई गोड ओ मापियान पेजे पढ़ो ने ब्रोड किन्नी छेती हवा लगी थानू माई गोड साढ़े लिए तो तुसी पर देसी हो गए देसी छड पूरे अंग्रेजी हो गए साढ़े लिए तो तुसी पर देसी हो गए देसी छड पूरे अंग्रेजी हो गए पहला बिल्लो सी के हुण तुसी बेबी हो गए चार शॉट ला के तुसी हुण क्रेजी हो गए एना भी रडोप शोप मारे करो बस यही चाहिए था मुझे सुर हो गया अच्छा मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ एक्चुअली मेरे साथ एक पार्टनर था वो आया नहीं उसका नाम है हीरा वैसे अच्छा है वो नहीं आया क्योंकि हमेशा मेरी बेइज्जती कराता रहता है वो रंग का इतना काला है जिस दिन नहाता है ना बच्चे खुश हो जाते हैं कहते हैं आज शाही मिलेगी कलर छोड़ता है और लंबाई इतनी है ऊंट ऊंच के पैरों के नीचे से निकल जाता है ये तो खैर उसका स्ट्रक्चर हुआ भगवान ने जो दिया है लेकिन उसकी हरकतें जो है ना उसको मरवा देती है एक बार मार्केट में जा रहा था मेरे साथ तो मतलब उसको आदत है पैसे मांगने की उसे ना ये याद है क्या क्या खाया और ना ये याद है किस किस का खाया तो ऐसी एक बार मार्केट में जा रहा था मैं मेरे साथ कह रहा कि मैं चलूंगा मैंने कहा ठीक है भाई चल ले तो वहां पे क्या हुआ एक आदमी से पैसे मांगने लगा भैया दो रुपए दे दो कह रहा यार मेरे पास खुले नहीं है कह रहा प्लीज दे दो कह रहा यार मेरे को बताया ना तेरे को खुले नहीं है कह रहा तुम लोगों के वैसे ना मेरे लाखों रुपए डूब गए हैं ये तो कुछ नहीं ट्रेन में जा रहा था मेरे साथ कह रहा वीर जी चाय पियेंगे चाय मैंने कहा ठीक है चाय पियेंगे मैंने कहा चाय वाले इधर आ जा चाय वाला आ गया मैंने कहा चाय बना दे दो कहता नहीं 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 ये वाली नहीं पियेंगे मैंने कहा क्यों कह रहा वो पियेंगे ताबीज वाली मैंने कहा ताबीज वाली मैं कहा बेवकूफ वो ताबीज नहीं होता वो टी बैग होता है मैंने कहा चाय पत्ती होती है उसके अंदर कह रहा अच्छा चाय पत्ती होती है इसने गले में से निकाल के फेंका उस दिन बचपन से बैल के घूम रहा awesome. अच्छा ये कुछ नहीं इसके बापू और ज्यादा उससे दौड़ कर उसके बापू हमेशा बकरी लेके घूमते थे सुबह बकरी शाम को बकरी रात को बकरी खाना बकरी के साथ सोना बकरी के साथ नहाना बकरी के साथ हद कर दी यार भाई एक दिन बकरी लेके चढ़ गए बस के अंदर अब कंडक्टर अड़ गया कहता क्या अगर बकरी की टिकट लोगे तो बैठोगे नहीं तो नीचे उतर जाओ अब ये भी अड़ गया मैं टिकट लेनी नहीं जो मर्जी कर लो कहता नहीं लेगा कहता नहीं लूंगा कहता जो मर्जी कर लो बस होना कहता कंडक्टर ने दो थप्पड़ मारे नीचे उतार दिया उसको आगे से कहता अगर मेरे साथ लेडी सवारी ना होती ना फिर तुझे बताता अच्छा आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि वो बकरी लेके क्यों घूमता था भाई मैंने भी पूछा मैंने कहा बकरी क्यों लेके घूमते अंकल जी आप कह रहे मैं ना रिसर्च कर रहा हूँ इस पे मैंने कहा बकरी पे रिसर्च कह रहे हाँ कह रहे पट्टे तो इतने लंबे लंबे खाते हैं लेकिन मींगड़ा गोल गोल कैसे करते हैं उसके दादाजी वो दो और कदम आगे ढाई फुट की हाइट है कभी साइकिल की गद्दी नसीब नहीं हुई हमेशा कैंचे चलाते थे भाई एक मतलब हाथ पैर छोड़ के फौज में भर्ती हो गए अब ढाई फुट का बंदा फौज में भर्ती हो रहा है अब कुछ सोच सकते हो क्या हालत हो रही होगी जैसे हमारी हो रही है अच्छा ये तो मैंने ऐड कर दिया था तभी ऐसी नहीं आई हुई तो
वो एक बार जंग में जा रहे थे, अब जंग हो रही थी, जंग में जा रहे थे। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जा रहे हो? कह रहे मैं जंग में जा रहा हूँ बेटा, जंग में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बंदूक तो ली नहीं आपने? कह रहे नहीं मैं जंग में जा रहा हूँ। मैंने कहा बंदूक तो ले लो। कह रहे नहीं नहीं मैंने कहा अच्छा थैला क्यों ले रखा है? कह रहे बस मैं जंग में जा रहा हूँ इसलिए। मैंने कहा थैले के अंदर है क्या? कह रहे नींबू। मैंने कहा क्यों? कह रहे दुश्मनों के दांत खट्टे करके आऊंगा। अब जंग में चले गए, वहां से फोन आ रहा उस ऑफिसर को, जनाब मैंने 5 आतंकवादियों को मार दिया। कह रहे बहुत खूब। कह रहे 5 टैंक उनके तबाह कर दिए। कह रहे बहुत खूब। कहते मैंने 25 आतंकवादियों को और घेर लिया। वो कहते बहुत खूब, ले आओ उनको पकड़ के। कहते क्या करूं, ला नहीं सकता, घेर रखा है मुझे। अब घेरा हुआ था उसने, 25 आतंकवादियों ने घेरा हुआ, बीच में खड़े हुए हैं आतंकवादी। कहते कहते कि जो भी निकाल दे। वो अड़ गए, जैसा बाप वैसा उसका बाप, वो भी अड़ गए। कह रहे मैं निकालूंगा नहीं। कह रहे क्यों नहीं निकालेगा? कह रहे 2 दिन से कुछ खाया नहीं, निकालूंगा कहां से। अब भाई उनको गुस्सा आया यार, कह रहे कहते तलाशी ले लो इसकी। ओए होए होए, तलाशी लेके ऐसे जलील हुए ना वो, डाका डालना छोड़ दिया उन्होंने, आतंकवाद छोड़ दिया उन्होंने। उन्होंने दोनों जेब में हाथ डाला, दोनों जेब फटी हुई थी। इसकी से मुझे याद आया यार, इंडिया में ना और भारत की कंट्रियों में ना बहुत ज्यादा फर्क है। इंडिया भारत की कंट्री में हिचकी आती है ना, एक्सक्यूज मी, सॉरी, और इंडिया में आएगी ना तो मतलब नया अजीब ही सा, पता नहीं क्या पूर्वजों ने बनाया है क्या है। जब तक बंदे को याद करते रहेंगे जब तक हिचकी नहीं रुकेगी। मैं ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था, कोई एक नाम नहीं लूंगा लड़की का, वो भी बैठी हुई थी बाहर। अब उसे हिचकी आ जाए, नवीन प्रवीण केएन एमएस एमपी हिचकी रुकती। अब उस लड़की को कोई बताए कि एमपी सर इतने वेले थोड़ी है जो उसको सोच रहे होंगे। अच्छा तो इंडिया में एक चीज और मैंने नोट करी है, मतलब बच्चों की जो हालत हो रखी है ना इंडिया में वो पूछने लगे यार, सच में। इंडिया के बच्चे और बाहर के बच्चे, इंडिया के बच्चों के वो एग्जाम में आ जाए कुछ परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है आतंकवादी हमला हो गया। बाहर की कंट्री में हो ना, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से आंसर होते हैं यार उनके, बड़े प्यारे प्यारे, ऐसा लगता है लग्जरी बच्चे हैं। मतलब एग्जाम में आ गया, कार के ऊपर ऐसे लिखो या फर्स्ट जर्नी लिखो कि भाई कैसा रहा, तो बच्चा लिख देता है मैं आया बस 7 ईयर ओल्ड एंड मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी आती है बस, इतना बोल दिया मैंने। तो उसके मतलब सॉफ्ट से आंसर होते हैं और मार्क्स भी पूरे पूरे मिल जाते हैं। अब इंडिया में मैं 5वीं क्लास था, मुझे याद है, मुझे यार हालत खराब हो गई मेरी, पसीने पसीने हो गया मैं। 5th क्लास में ऐसे आ गया, कार के ऊपर जर्नी लिखो, पहली जर्नी कार द्वारा होगी। अब कार देखी नहीं कभी, नाम नहीं पता कार के कौन कौन से होते हैं, अंदर तक जा गया नहीं, कैसी होती सी, उसमें होता क्या क्या, कुछ नहीं पता। और एक बात अच्छी देखी है मैंने वैसे इंडिया की, पेपर में कुछ भी आ जाए बच्चा छोड़ता नहीं है। छोड़ेगा क्यों नहीं छोड़ेगा, फेल होगा छोड़ो कोई बात नहीं, घर वाले मारते बहुत हैं, और मारने का चलो कोई बात नहीं, मारेंगे 10 गिनेंगे एक, मतलब काउंटिंग समझ नहीं आती यार। मतलब हम फेल हो रहे हैं ठीक है, हमें गिनती नहीं आती थी, फेल हो गए यार, तुम तो आती, तुम्हें तो आती, 10 मार रहे हो, 10 गिन लो, नहीं गिनेंगे। अच्छा तो एग्जाम में मेरे आ गया कार द्वारा यात्रा बतानी अपनी। अब मैंने सोच लिया, मैंने कहा पूरा तो करना पड़ेगा, 500 वर्ड का दे रखा है इसने। मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरे पापा ने एक कार खरीदी, कार काले रंग की थी, मैंने गिन लिया 15 वर्ड हो गए, बाकी क्या आप हिसाब लगा लो कितने बचे होंगे, 15 वर्ड हो गए। मैंने लिखा, फिर मैंने कहा यार पूरा तो करना पड़ेगा, मैंने लिखा कि उसके बाद हमने तैयारी करी और खाना पैक किया, फिर मैंने काउंट करे कितने हो गए, अब 50 हो गए, बस 450 बचे थे। मैंने कहा ठीक है इसको भी पूरा करना पड़ेगा।
मैंने कहा उसके बाद हमारे पड़ोसी शर्मा जी ने अपना प्रिया स्कूटर उठाया और हमारी कार में ठोक दिया। उसके बाद जो मेरे पापा ने 450 वर्ड उसको बताए बोले है ना, मैं लिख नहीं सकता। अच्छा आप लोगों में से कई ऐसे होंगे दीवाने टाइप के, मतलब तो मेरे यहाँ सारे होंगे, नहीं भी होंगे पता तो सबको क्या होता है उसके बाद। अच्छा दीवाने ना बदल गए, पहले दीवाने की कुछ और होती थी, आज की कुछ और है। सिलेबस बदल गया, राइट, सिलेबस बदल गया, मतलब कहां से कहां जा रहे पता नहीं चल रहा। पहले दीवाना अगर लड़किया लड़का लड़की को छोड़ के चले, मतलब लड़की लड़के को छोड़ के जाती थी, तो लड़का गाता था ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अब ये ना गाने बदल गए, ऐसा लगता धमकी है ये, अब धमकी हो जाती है। अगर लड़की छोड़ के चली गई ना लड़के को, तो धमकी बन जाती है। वो गाना कैसे गाता है, छड़ गई है सोनी है तू अद विच कारनी, पेंचर करांग तेरी डोली वाली कारनी, छड़ गई है सोनी है तू अद विच कारनी, पेंचर करांग तेरी डोली वाली कारनी, फाड़ के नी, सुन लो पहले, फाड़ के नी टेंट तेरे ब्याह दा, फाड़ के नी टेंट तेरे ब्याह दा, बराती है ना कुट्टा चढ़ के कुटा पहलवाई द जलेबिया च रेता फुकांगे, चढ़ के कुटा पहलवाई द जलेबिया च रेता फुकांगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल।